गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज संडे है, मतलब स्पेशल संडे आ रहा है। कल सैटरडे छुट्टी था, संडे छुट्टी, कल मंडे को भी छुट्टी, मतलब 3 दिन लगातार छुट्टी। और आयरा की परेशानी, मतलब इतना कर रही है परेशान, इतना कि मॉर्निंग से उठ के, मतलब इनको सुबह से मैंने इंगेज करके मैं रखी हूँ, कभी ये करा रही हूँ, जिनको मोबाइल ही चाहिए। अभी देखो इनका नाटक, अपना फिर दिखाओ, ये देखो लिपस्टिक पहले फेस पे ओट पे लगाई, फिर पूरे फेस पे लगाई, फिर इसको टिक्का बनाने तो यही सब इनका चलते रहता है। और मेरे पास एक लिपस्टिक नहीं है, सारा लिपस्टिक आयरन ने तोड़ दिया है। मेरे पास 8-10 लिपस्टिक है सारा, मात्र मेरे पास 1 और 2, इस बार का एक और पिछले बार का एक बचा है। और समझो तो 8 लिपस्टिक टूट चुकी है, मतलब 10 मतलब है तो, लेकिन उसमें टूटा हुआ, मतलब अच्छे तरीके से नहीं है प्रॉपर। अभी इनको देखो, तो इनके साथ और मॉर्निंग का रूटीन था कि लड्डू गोपाल को हमने ब्रेकफास्ट में ब्रेड एंड चाय दिया था। अभी लंच बन रहा है, लंच में दाल चावल एंड सब्जी। आपको लड्डू गोपाल को सिर्फ आपको जो सात्विक भोजन होता है वही खिलाना है, प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं देना है, लड्डू गोपाल को भूल से भी नहीं देना है। तो मैं आज बना रही हूँ लौकी की सब्जी एंड दाल चावल एंड दही रहेगा। लड्डू गोपाल को दही भी पसंद है बहुत, तो दही, तो उनकी लंच चोरी चोरी लड्डू गोपाल माखन खाते, तो उनकी आज लंच रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि लंच में मैं उनको क्या क्या देती हूँ। मतलब रोज जो आप खाना बनाते हो ना अपने लिए, तो लड्डू गोपाल को दे सकते हो, बट उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। अगर दाल चावल भी बनती तो उसकी आप भोग लगा सकते हो, उसके साथ आप एक्स्ट्रा कुछ आलू की भुजिया सब्जी कुछ बना सकते हो, और नहीं हो सकता तो सैलेड वगैरह खीरे का दे सकते हो, टमाटर का। तो ये लड्डू गोपाल को पसंद है, तो हम लोग लड्डू गोपाल को भरपूर अच्छे से खीर शाम को बनाएंगे। शाम को खीर बन दिया है ना, अभी नहीं बनता था, दूध है नहीं, अभी दूध वाले अंकल आएंगे तब तो। इनकी बस जब मन खीर बनाओ, जब मन मैगी बनाओ, जब मन ये बनाओ, जब मन वो बनाओ, बस इनके पे 24 आवर इनके साथ मेरा रूटीन जाता है। 24 आवर्स इनके आगे पीछे एक बच्चा रहता है कि इंगेज रहता है, बहुत सारा सामान दे दो खेलते रहेगा, खा लिया पी लिया, लेकिन ये नहीं, अपने साथ हमको पूरे टाइम इंगेज रखेंगे। देखो इनके साथ मतलब एक मिनट चैन नहीं लेने देंगे, अब उसमें सर लगा ली चोट लग जाएगी। आपने फेस दिखाओ क्या हो गया है अंदर, ये देखो अंदर अंदर दिखाओ। तो इनके ये पता नहीं कैसे हमेशा आजकल कट कर ले रही है, इधर दोनों साइड से, इधर इधर भी कट कर ले रही है, इधर भी कट कर ले रही हूँ, और मुंह बना के बस चल रही है ऐसे। कैसे मुंह बना रही हूँ, कट गया तो कैसे कर रही हूँ, मुँह बना के पीछे जो आगे हो ऐसे ही पूरे टाइम करते कर रही है, मतलब जब देखो इसे मुँह सही हो गया था। अब दूसरे दिन मतलब कल भी मैंने एक भुट्टा खा लिया था, इस वजह से फिर गले में दर्द हो रही है। पता नहीं भुट्टा खाने के बाद क्यों ऐसा हो रहा है, दूसरे दिन मैंने खाया था तो भुट्टा खाने के बाद ही गले में दर्द हो रहा था, और मैंने पानी वगैरह बिल्कुल नहीं पिया था, लेकिन फिर भी। और आयरा देखो कहाँ चली गई, बाल का आयरा नहीं दी, ये देखो तो यही सब करती रहती है। और अभी लंच रूटीन आप लोग लड्डू गोपाल के शेयर करूंगी। अभी हो गया 12:30, एक गिर जाओगे भाई 12:30, और मैं 1:30 बजे तक लड्डू गोपाल को 1:30 तक उनको खाना खिला देती हूँ। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल हमारे रेस्ट करते हैं 4 से 5 बजे तक, फिर 5 बजे उनको स्नैक वगैरह देती हूँ, ये चाय ब्रेड या चाय बिस्किट या मिल्क या कुछ भी, मतलब आप एप्पल वगैरह जो भी आपके पास फ्रूट्स वगैरह है जो आप दे सकते हो अवेलेबल है लड्डू गोपाल को। और उसके बाद फिर रात में डिनर करते हैं, और 4 टाइम का मैं लड्डू गोपाल का वो कर रही हूँ। अभी मैं एक लड्डू गोपाल के लिए रखी हूँ,
आज आयरा ने मॉर्निंग में पढ़ाई किया है, आयरा ने 1 2 लिखा है, फिर ड्राइंग किया था और आयरा थक गई, उसके बाद आयरा ने नहाया है, उसके बाद फिर से लेके बैठी, मैगी खाई है ब्रेकफास्ट में। अगर घर में मैगी हो तो मैगी की भजिया उड़ जाएगी, रोज कहती है मैगी मैगी, बस दाल चावल इनको दे दो खाएंगी, बस मैगी दे दो। ये तुम सब याद है, बस आ आ याद करना है। अच्छा बताओ कैसे कैसे कराएंगे, फिर लड्डू थोड़ा देर के लिए रेस्ट करेंगे। थोड़ा देर क्या मतलब, 2 बजे से लेके 5 बजे तक रेस्ट मैं कराती हूँ, 4:30-5 बजे जाते हैं, तो उसके बाद लड्डू का स्नैक होता है। तो अभी लड्डू को हम लोग लंच कराने जा रहे हैं, अभी लंच बन गया है तो मैं लड्डू के लिए लंच लेके आ रही हूँ आप लोग के साथ। आज लड्डू गोपाल का लंच रूटीन शेयर करेंगे और आयरा को आप लोग देखते रहना कैमरे में कि कुछ ना करे बदमाश। देखो देखो क्या करे, पहले पानी क्यों पिला रहे लड़को, सोडा पानी दे। नहीं नहीं खाना खा लेगा तब पिएगा, हटो चलो। देख सकते हो जैसे कि मैं जाती हूँ आयरा अपना खेल खेलने लगती है, कल ऐसे मैं रख के गई थी और पूरा पानी आयरा ने लड्डू को पिलाने के चक्कर में गिरा दिया। चलो पीछे हटो थोड़ा। अभी मैं लड्डू के लिए बनाई हूँ, आप लोग देख ही सकते हो कि चावल और दाल और लौकी की सब्जी और दही, जो सात्विक भोजन है लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं लड्डू को देना है। भूल से भी नॉन वेज वगैरह जो खाते हैं बिल्कुल लड्डू को अलग रखना, अगर आप सेवा करना चाहते हैं लड्डू गोपाल का। अगर आपके घर में नॉन वेज वगैरह बनता है तो आप लड्डू का सेवा कर सकते हैं, बट उनका हर चीज अलग रखना पड़ेगा। और अगर लहसुन प्याज भी खाते हैं तो आप बना तो सकते हैं, बट लहसुन प्याज उनको नहीं दे सकते हैं, तो लड्डू लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, सात्विक खाते हैं भोजन। तो चलो लड्डू गोपाल को भोग लगा देते हैं पहले। लड्डू आपके लिए देखो खाना लाए हैं। जय लड्डू गोपाल। लड्डू को दही बहुत पसंद है तो दही आप थोड़ी थोड़ी मकर का थोड़ी थोड़ी। और ये है लड्डू गोपाल का सब्जी, तो ये आज लड्डू का पूरा मतलब खाना है, दाल चावल सब्जी दही, और मैंने पानी भी ला के रखा है लड्डू के लिए, तो आज भी लड्डू खाना खाएंगे। अभी लड्डू बस थोड़ा सा आप 5 मिनट बैठ सकते हो खाना खाने के बाद, मतलब खाना खाएं तब, और थोड़ा देर के लिए आपको 10 मिनट के लिए हट जाना है लड्डू गोपाल के पास से, ताकि ये खाना अच्छे से खा ले, फिर 10 मिनट के बाद आपको आके जो लड्डू गोपाल का प्रसाद है भोग लगाया हुआ है आप अपने परिवार में अपनी फैमिली में बांट सकते हो। तो ये जो खाना होता है ना, तो अधिकतर हम लोग अपने पूरे फैमिली में जैसे कि मैं आयरा मतलब मिलकर खा लेते हैं, या कभी लड्डू खाना खाएंगे। तो अभी हम लोग 10 मिनट के लिए यहाँ से हट जाएंगे, तब मैं लड्डू खाना खा लेंगे, उसके बाद लड्डू को पानी पिलाऊंगी और तब लड्डू रेस्ट करेंगे। और अभी जाते हैं हम लोग 10 मिनट के लिए यहाँ से लड्डू गोपाला के पास में। तो गाइज अगर बहुत लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि हम नॉन वेज खाते हैं तो लड्डू गोपाल की हम सेवा कर सकते हैं कि नहीं, तो आप बिल्कुल लड्डू गोपाल के दिल से सेवा करना चाहते हो कर सकते हो, बट आपको क्या करना होता है कि नॉन वेज आप बाहर खाते हो या आपके घर में भी बनता है तो पूरा आपको मतलब लड्डू गोपाल को अलग ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्मेल तक नहीं आना चाहिए जो नॉन वेज बन रहा है उसका आपका किचन से।
तो लड्डू गोपाल के आप अलग बर्तन वगैरह रखो। आप ऐसे भी मैं सारे बर्तन जैसे लड्डू गोपाल का अलग ही रहता है, जैसे कि हम लोग प्याज वगैरह खाते हैं तो लड्डू गोपाल का मैं अलग सारा बर्तन निकाल के रखती हूँ। न्यू सारा लेके आई थी लड्डू के लिए, तो उसमें हम लोग नहीं खाते हैं, बस लड्डू ही खाते हैं। और अगर आप नॉनवेज भी खाते हो तो आप लड्डू के लिए अलग व्यवस्था रखो, अलग किचन गैस वगैरह छोटा सा रख लो, आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो सेवा तो। और तभी हमारे लड्डू खा रहे हैं खाना, फिर अब 10 मिनट के बाद आप लोग मिलना लड्डू गोपाल से। गाइस 10 मिनट हो चुका है, 10 से 15 मिनट हो गया, लड्डू गोपाल खा लिए हैं, अब उनको हम लोग पानी पिलाएंगे। तो देख सकते हो आहरा पहले ही पानी पिला रही है, और जो ये भोग का प्रसाद मतलब समझो इसको, जिसको आप अपने खाने में यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ आयरा को इनके बाद खाना खिलाने। सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को ही खिलाती हूँ देती हूँ, और कैसे कभी भी जैसे कि सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को खिला दूंगी, उसके बाद ही घर के हमारे फैमिली खाते हैं। तो अब भी हम ये क्या करती है, लड्डू गोपाल को पानी पिलाओ। तो अब लड्डू को पानी पिलाएंगे। क्या खिलाई हो, दही भी खिलाई हो क्या? हाँ दही, दही भी खिलाई है। तो ये पानी इनको पिला देने लगे। नहीं पी दो, नहीं हम लोग प्रसाद के रूप में सब खा लेंगे पूरे फैमिली। और चलो तो लड्डू गोपाल का इसके रूटीन है यही कि मैं अब शाम में और लड्डू गोपाल अभी रेस्ट करेंगे। हम लड्डू गोपाल को जा रहे हैं इनको रेस्ट करने के लिए। हो गए बेटा, कितना पानी पियेंगे? लड्डू गोपाल पानी पी चुके हैं, तो हटो। अरे ऐसी करती है, जब पानी पिलाते पिलाते पूरा पानी उलट देगी, खुद परेशान। नहीं बोलो। तो प्यास बुझ गई होगी लड्डू को, कितना पानी पिए, कम से 2-3 चम्मच पी चुके हैं। देखो पी दो। अब हमारे लड्डू पर पानी यहीं रहने देंगे, पानी नहीं हटाएंगे। और इनका माला और ये मुकुट यहाँ रख देंगे, बांसुरी इनके पास ही रहने देंगे। अब लड्डू हमारे रेस्ट करेंगे और लाइट को बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर क्या, 3 से मैं चलो हम खाना ले जाऊंगे, 2 से 2.5 घंटे के लिए हमारे लड्डू रेस्ट करेंगे अभी। तो थोड़ा सा पैर हाथ दबा देते हैं। अब मॉर्निंग का भी रूटीन शेयर करेंगे, कभी आपको रात का भी रूटीन शेयर करेंगे, कैसे लड्डू को सुलाते हैं खिलाते हैं सब करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मन मतलब सही रहती है, शांत रहती है। आप चाहें तो अपने लड्डू को पाला कुछ नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस फिर सात्विक भोजन लड्डू खिलाना है 3-4 टाइम, और सुबह नहला के इनको अच्छे से रेडी करना, बस यही सब करना है। और तभी लाइट बंद कर देते हैं, लड्डू हमारे भी सोएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो चलो ये प्रसाद के रूप में ले चल रहे हैं। तो गाइस ये लड्डू गोपाल का लाइट बंद कर दो। हाँ तो आयरन लाइट बंद कर दिए, जैसे खिड़की से थोड़ा सा लाइट आती है ना इधर से, हम लोग पर्दा उसको कर देते हैं। तो गाइस ये लड्डू गोपाल का वीडियो आपको पसंद आए, उनका दोपहर का रूटीन, लंच रूटीन। आया देखो पर्दा भी खींच रही है, अंधेरा हो गया, अरे टूट जाएगा वो, हंस गया। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो लड्डू गोपाल से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, जो उसका मैं जवाब जरूर दूंगी। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। किसी दिन मैं इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ और नाइट रूटीन। तो चलो बाय बाय।